हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपको स्क्रीन पे 7 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और आपको मुझे बताना है कि मैंने कितना टाइम लिया। अगर मुझे 85 का स्क्वायर करना है तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 98 जा होगा 72 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अगर मुझे इसका आंसर लाना है दोस्तों तो इसका आंसर आएगा 22 × 23 करोगे तो आएगा 506 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये हो गया हमारा आंसर 73 × 99। तो इसका आंसर आएगा 73 − 1 = 72 और इसका आंसर आ जाएगा 27। इस बड़े डिजिट है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 5420 4579। 56 × 56 इसका आंसर आएगा दोस्तों 3136। 32 × 78 इसका आंसर आएगा दोस्तों 24 और ये हो जाएगा हमारा 96। और ये जो है इसका आंसर आएगा 9 और तो इसका आ जाएगा 510 और 920। देखा दोस्तों कितनी आसानी से मैंने इसका आंसर बता दिया। ये मैंने ऐसे ही नहीं किया, इसके पीछे जो ट्रिक है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिक नंबर 1। अगर आपके सामने कोई ऐसा नंबर है जिसके एंडिंग में 5 आता है और आपको उसका स्क्वायर निकालना है तो आप इस ट्रिक की मदद से सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता पाओगे। मान लो कि मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 25 × 25। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पीछे कौन सा नंबर है, 5 है और उसका स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो मैं इधर लिखूंगा 25। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे का नंबर देखेंगे। आगे क्या है, 2 है दोस्तों, तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है ना। दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और 2 × 3 जा कितना होता है, 6 होता है। तो मैं इधर लिख दूंगा 6। ये हो गया हमारा आंसर। देखा दोस्तों कितना ईजी था। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इधर क्या है, 65 है तो मैं क्या लिखूंगा, 65 लिखूंगा और मल्टीप्लिकेशन बाय 65। पहला स्टेप कौन सा था दोस्तों, 5 का स्क्वायर लिखना है जो कि ऑलवेज कितना आएगा, 25 आएगा। अब क्या है, 6 है, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है ना। दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। 6 × 7 जा कितना होगा, 42। तो मैं इधर लिख दूंगा 42। ये हो गया हमारा आंसर। देखा दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा है दोस्तों, 195। तो हम क्या करेंगे, 195 × 195। पहला स्टेप क्या है दोस्तों, आप आंखें बंद करके क्या लिख दोगे, 25। अब क्या करना है दोस्तों, 19 है तो 19 के बाद कितना आता है, 20 आता है। दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। 9 × 2 जा कितना होगा, 38 होगा और ये 0 में एज इट इज लिख दूंगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, 225 × 225। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 22 के बाद कितना आता है, 23 आता है। दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। कितना आएगा दोस्तों, 506 आएगा। तो मैंने लिख दिया 506 और ये हो गया हमारा आंसर। ये ट्रिक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम देखते हैं हमारी ट्रिक नंबर 2। इस ट्रिक की मदद से हम किसी भी नंबर का 9 की सीरीज के साथ किस तरह आसानी से मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ 99 × 66। तो मैं इधर लिखता हूँ 99 × 66। बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमें 66 दिख रहा है उसमें से हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, 66 − 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 65 आएगा।
तो हम क्या करेंगे, इधर 65 लिख देंगे। आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, अगर हमें 9 की सीरीज के साथ मल्टीप्लिकेशन कराना है तो हम क्या करेंगे, जो हमें नंबर दिया होगा उसमें से हम एक क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर लिख देंगे। और दूसरा स्टेप क्या करना है दोस्तों, अब हर एक नंबर को 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो मैं इधर लिखूंगा 3। और 9 में से अगर मैं 5 को निकालूंगा तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, तो मैं लिखूंगा 4। तो यही हो गया हमारा आंसर। पता चला तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता चला तो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। मैं लेता हूँ 99 × 78, तो मैं इधर लिखता हूँ 99 × 78। एक चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें नंबर दिया हुआ है उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 78 − 1 कितना होगा, 77 होगा, तो मैं लिख देता हूँ 77। अब क्या करना है दोस्तों, हर एक नंबर को 9 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 − 7 कितना होगा, 2 होगा, तो मैं लिखूंगा 2। इधर हमारे पास दूसरा 7 है, तो 9 − 7 कितना होगा, 2 होगा, तो मैं इधर लिख दूंगा 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लेते हैं 3 डिजिट का नंबर, तो मैं इधर लिखता हूँ 999 × 497। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, आपको पता है इस नंबर को हम क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 497 − 1 कितना होगा, 496, तो मैंने लिख दिया। अब क्या करना है दोस्तों, हर एक नंबर को 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 में से अगर 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, तो मैंने लिखा 5 लिखा। 9 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0 बचेगा, तो मैं लिखता हूँ 0। और 9 में से अगर 6 निकालूंगा तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो मैंने लिख दिया 3। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन आपने अगर एक चीज़ ऑब्जर्व की हो तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने पहले 3 किए दोस्तों, उसमें क्या थे, इधर भी 2 डिजिट थे, इधर भी 2 डिजिट थे, इधर 3 थे, इधर 3 थे। लेकिन अगर आपके सामने कुछ इस तरह का आता है, जैसे कि इधर 5 डिजिट है और अगर इधर 3 डिजिट है, मतलब कोई भी हो सकता है दोस्तों, तो इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आपको मैं एक सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाए। अगर मैं लिखता हूँ इधर कितनी बार है, 5 बार 9 है, तो मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4 और 5। इसका मुझे किसके साथ मल्टीप्लीकेशन कराना है, 364 के साथ, तो मैं लिखूँगा 364। इसका क्या करना है मुझे, मल्टीप्लीकेशन। इधर कुछ नहीं है तो मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। अब क्या करना है दोस्तों, सेम मेथड, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, 0, 3, 6 और 3। अब क्या करना है दोस्तों, सेम मेथड, 9 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, 9 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। एक और आपको मैं देता हूँ, आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। जैसे कि 999 × मुझे करना है 24 करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 24 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 23, और आगे क्या है, 0, तो मैं लिख देता हूँ 0। अभी क्या करना है, 9 में से 0 जाएंगे तो 9, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, और 9 में से 3 जाएंगे तो 6। ये हो गया हमारा आंसर। देखा दोस्तों, अब मैं आपके सामने जो ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप कोई भी मल्टीप्लीकेशन बड़े आसानी से कर सकते हो, तो ज़रूर देखना। एक्चुअली ये एक वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक है जिसका नाम है क्रिस क्रॉस मेथड, और इस ट्रिक की मदद से हम कोई भी मल्टीप्लीकेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ 62 × 54, इसको हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि इस वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक से हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह का एक क्रॉस की या फिर प्लस की साइन बना देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, जो हमें लास्ट के जो कॉलम दिख रही है
उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम इस वाले बॉक्स में लिखेंगे। तो 4 टू जा कितना होता है, 8 होता है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, इसमें हम 2 डिजिट में लिखेंगे, इसलिए मैं लिखूँगा 08। और इस वाली जो कॉलम है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम इसके नीचे के बॉक्स में लिखेंगे। 65 जा कितना होता है, 30 होता है, तो मैं लिखूँगा 3030। एक और बार समझाता हूँ दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर लिखना है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर लिखना है। अब इस मेथड का नाम क्या है दोस्तों, क्रॉस, मतलब कि मैं अब क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा। 6 4 जा कितना होता है, 24, और 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है। आप माइंड में भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता चले इसलिए मैंने इधर साइड में लिखा। 5 2 जा 10 और 6 4 जा 24, दोनों का प्लस कितना होगा, 34। अब ये जो 34 है, मैं इस तरह बीच में लिखूंगा और सिंपली उनका प्लस कर देना है। 8 4 3 और ये 3, हो गया हमारा आंसर। एक और एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों मैं, 87 मल्टीप्लिकेशन 35। क्या करना है दोस्तों, एक मैं प्लस की साइन बना दूंगा। 75 का कितना होता है, 35, तो मैं लिखूंगा 35। 83 जा कितना होता है, 24, तो मैं लिखूंगा 24। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 85 जा 40 और 73 जा कितना होगा, 21 होगा। आंसर कितना आएगा, 4 2 + 2 = 6, 61। कहाँ लिखूंगा, बीच में लिखना है और कर देना है प्लस। 5 3 + 1 = 4, 6 + 4 कितना होगा, 10 होगा, कैरी हमारी 1, 2 + 1 हो जाएगा हमारा 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हमने देखा 2 by 2 का, अब मैं आपको बताऊंगा 3 by 3 का। आपको अच्छे से पता चले इसलिए मैंने ऑलरेडी इधर स्टेप्स लिखे हुए हैं। ये 5 स्टेप में हम आंसर लाएंगे। तो सबसे पहले मैं इधर नंबर लिख देता हूँ, 1 2 3 मल्टीप्लीकेशन बाय 3 2 1। मैंने इजी नंबर लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे लास्ट की कॉलम है इनका मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो 3 1 जा कितना होगा दोस्तों, 3 होगा, तो मैं इधर लिख दूंगा 3। ये स्टेप 1 हो गया हमारा कंप्लीट। वैसे ही सारे स्टेप बहुत ही इजी है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जो लास्ट की 2 कॉलम होगी उनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और प्लस करके इधर लिख देंगे। तो 3 2 जा कितना होगा, 6 होगा, और 2 1 जा कितना होगा, 2 होगा। तो 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, यानी कि 6 + 2 कितना होगा, 8 होगा, तो मैं इधर लिख दूंगा 8। ये हो गया हमारा आंसर। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि अगर 10 11 12 ऐसा कुछ आएगा तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो कैरी होगी ना वो साइड में ऐड हो जाएगी, आगे आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब लेते हैं हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है दोस्तों, जो बीच वाली कॉलम है इनका मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो 2 2 जा कितना होगा, 4, मैं इधर लिख देता हूँ 4। अब जो डायगोनल है उसका मल्टीप्लिकेशन कराना है। 3 3 जा कितना होगा, 9, तो मैंने लिखा 9, और 1 1 जा कितना होगा, 1 होगा। इनका प्लस कितना होगा दोस्तों, 9 + 1 = 10, और 10 + 4 कितना होगा, 14 होगा। ये तो 2 डिजिट आया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 4 होगा, जो यूनिट प्लेस होगा वो लिखेंगे, और जो हमारी 1 है ना वो स्टेप 4 में ऐड हो जाएगी। स्टेप 4 कितना है दोस्तों, पहले की 2 कॉलम लेनी है। तो क्या होगा, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 6 + 2 कितना होगा, 8 होगा ना, लेकिन ये जो हमारी 1 कैरी है वो इधर ऐड हो जाएगी, यानी कि 9 हो जाएगा। और स्टेप 5 में क्या करना है दोस्तों, पहली कॉलम लेनी है, 3 1 जा कितना होता है, 3 होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ स्टेप याद रखने हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, लास्ट की कॉलम आएगी, स्टेप 2 में पीछे की 2 कॉलम आएगी, स्टेप 3 में आपको डायगोनली और बीच वाली, स्टेप 4 में पहली 2 कॉलम और स्टेप 5 में पहली कॉलम आएगी। तो इस ट्रिक की मदद से आप 2 by 3, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5 कोई भी मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हो। अब आपके साथ मैं एक बोनस ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप 51 से लेके 59 तक कोई भी नंबर का स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि मैं इधर लेता हूँ 54, अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है
तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आप 2 सेकंड में बता दोगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, 25 में ये 4 ऐड कर देंगे, तो 25 प्लस 4 कितना होगा? 29 होगा। तो मैं लिखूंगा 29 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, तो मैं लिख दूंगा 16। ये हो गया हमारा आंसर। देखा दोस्तों, मान लो कि मैं 56 लेता हूँ तो क्या करना है दोस्तों, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, लेकिन 25 में हम ये 6 ऐड कर देंगे, तो 25 प्लस 6 कितना होता है? 31। तो हमें लिखना है 31 और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, तो हम लिखेंगे 36। ये हो गया हमारा आंसर। देखा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि आपकी 1 लाइक 1 शेयर मेरा हौसला कई गुना बढ़ा सकती है।